गणितज्ञ लीलावती का नाम हम में से अधिकांश लोगों ने नहीं सुना है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पेड़ के पत्ते तक गिन लिया करती थी। शायद ही कोई ये जानता होगा कि आज यूरोप सहित विश्व के सैकड़ों देश जिस गणित की पुस्तक से गणित पढ़ा रहे हैं, उसकी रचयिता भारत की एक महान गणितज्ञ महर्षि भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती हैं। आइए जानते हैं महान गणितज्ञ लीलावती के बारे में, जिनके नाम से गणित को एक नई पहचान मिली। 10वीं सदी की बात है। दक्षिण भारत में भास्कराचार्य नामक गणितज्ञ और ज्योतिष विद्या के एक बहुत प्रकांड विद्वान थे। उनकी कन्या का नाम लीलावती था। यही उनकी एकमात्र संतान थी। उन्होंने ज्योतिष की गणना से जान लिया था कि उसके विवाह के थोड़े दिनों के बाद ही उनकी पुत्री विधवा हो जाएगी। उन्होंने बहुत कुछ सोचने के बाद ऐसा लग्न खोज निकाला जिसमें विवाह होने पर कन्या विधवा न हो। विवाह की तिथि निश्चित हो गई। आपको बता दें कि उस समय जल घड़ी की सहायता से समय देखने का काम किया जाता था। एक बड़े कटोरे में छोटा सा छेद कर पानी के घड़े में छोड़ दिया जाता था। सुराग के पानी से जब कटोरा भर जाता था और पानी में डूब जाता था, तब एक घड़ी होती थी। पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। लीलावती 16 श्रृंगार कर सजकर बैठी हुई थी। सब लोग उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक मोती लीलावती के आभूषण से टूटकर कटोरे में गिर पड़ा और सुराग बंद हो गया। शुभ लग्न बीत गया और किसी को पता भी नहीं चला, और इस तरह विवाह दूसरे लग्न पर ही करना पड़ा। लीलावती विधवा हो गई और पिता और पुत्री के धैर्य का बांध टूट गया। इसके बाद लीलावती अपने पिता के घर ही रहने लगी। अपनी विधवा पुत्री के दुख को देखकर भास्कराचार्य ने उन्हें गणित पढ़ाना आरंभ कर दिया और लीलावती भी गणित के अध्ययन में रुचि लेने लगी। थोड़े ही दिनों में वे गणित के विषय में पूर्ण पंडिता हो गई। पाटी गणित, बीज गणित और ज्योतिष विषय का एक ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने बनाया है। पाटी गणित के अंश का नाम ही भास्कराचार्य ने अपनी कन्या को अमर कर देने के लिए लीलावती रखा है। भास्कराचार्य ने अपनी बेटी लीलावती को गणित सिखाने के लिए गणित के ऐसे सूत्र निकाले जो काव्य में होते थे। इन सूत्रों को कंठस्थ करना पड़ता था। इसके बाद उन सूत्रों का उपयोग करके गणित के प्रश्न हल करवाए जाते थे। कंठस्थ करने से पहले भास्कराचार्य लीलावती को सरल भाषा में धीरे धीरे समझाया करते थे। वे बच्ची को प्यार से संबोधित करते हुए चलते थे। हिरण जैसे नैनों वाली प्यारी बिटिया लीलावती, ये जो सूत्र है, बेटी को पढ़ाने की इस शैली का उपयोग करके भास्कराचार्य ने गणित का एक महान ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम ही उन्होंने लीलावती रख दिया। आजकल के छात्र गणित के विषय को कम पसंद करते हैं, पर भास्कराचार्य का ग्रंथ लीलावती गणित को भी बड़े ही आनंद के साथ मनोरंजन, जिज्ञासा आदि का सम्मिश्रण करते हुए कैसे पढ़ाया जा सकता है, इसका नमूना प्रस्तुत करता है। लीलावती का एक उदाहरण इस प्रकार है। निर्मल कमलों के एक समूह के तृतीयांश, पंचमांश तथा षष्ठमांश से क्रमशः से विष्णु और सूर्य की पूजा की, चतुर्थांश से पार्वती की और शेष 6 कमलों से गुरु चरणों की पूजा की गई। अय बाले, लीलावती शीघ्र बता कि उस समूह कमल में कुल कितने फूल थे। इसका उत्तर है 120 कमल के फूल। वर्ग और घन को समझाते हुए भास्कराचार्य कहते हैं, अय बाले, लीलावती वर्गाकार क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल वर्ग कहलाता है। 2 समान संख्याओं का गुणन भी वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार 3 समान संख्याओं का गुणनफल घन है और 12 कोष्ठों और समान भुजाओं वाला ठोस भी घन है। मूल शब्द संस्कृत में पेड़ या पौधे की जड़ के अर्थ में या व्यापक रूप से किसी वस्तु के कारण उद्गम अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसीलिए प्राचीन गणित में वर्गमूल का अर्थ था वर्ग का कारण या उद्गम। इसी प्रकार घनमूल का अर्थ भी समझा जा सकता है। वर्ग तथा घनमूल निकालने की अनेक विधियां प्रचलित थीं। लीलावती के प्रश्नों का जवाब देने के क्रम में ही सिद्धांत शिरोमणि नामक एक विशाल ग्रंथ लिखा गया, जिसके 4 भाग हैं। लीलावती, बीजगणित, गृहगणिताध्याय और गोलाध्याय। लीलावती में बड़े ही सरल और काव्यात्मक तरीके से गणित और खगोल शास्त्र के सूत्रों को समझाया गया है। अकबर के दरबार के विद्वान फैजी ने
सन 1587 में लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अंग्रेजी में लीलावती का पहला अनुवाद जे वेलर ने सन 1716 में किया था। आपको बता दें कि कुछ समय पहले भी भारत के कई शिक्षक गणित को दोहों में पढ़ाते थे, जैसे 15 का पहाड़ा, 45, चौके 60, छक्के 90। इसी तरह कैलेंडर याद करवाने का तरीका भी पद्यमय सूत्र में था। इस प्रकार गणित अपने पिता से सीखने के बाद लीलावती भी एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के रूप में जानी गई। मनुष्य के मरने पर उसकी कीर्ति ही रह जाती है। आज गणितज्ञों को गणित के प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में लीलावती पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दर्शकों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और भी रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ट्यूब हिंदी।